वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति भालू। सो कार्डियक आउटपुट के पार्ट वन में हमने देखा था जो उसकी इंट्रोडक्शन, देन उसकी डेफिनेशन, देन स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स के बारे में डिटेल में, एंड उसकी नॉर्मल वैल्यू देखी थी हमने। देन हम इस वीडियो में पार्ट टू में यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो इजेक्शन फ्रैक्शन है चीज़ क्या? सो इजेक्शन फ्रैक्शन मीन्स इजेक्शन फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शंस ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड आउट बाय इच वेंट्रिकल्स। ओके, सो इजेक्शन फ्रैक्शन मीन्स इजेक्शन फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड बाय इच वेंट्रिकल। ओके, सो इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इजेक्शन फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड बाय इच वेंट्रिकल्स। और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? सो उसकी नॉर्मल वैल्यू है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन, ई मीन्स इंजेक्शन एंड एफ मीन्स फ्रैक्शन। ओके, सो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन हमारी कितनी है? वो है हमारी 60-65%। ओके, सो हमारी नॉर्मल इंजेक्शन फ्रैक्शन है 60-65%। सो इंजेक्शन फ्रैक्शन में आपको क्या लिखना है? इजेक्शन फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड आउट बाय इच वेंट्रिकल्स। उसकी नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60-65%। देन हम बात करेंगे कार्डियक रिजर्व के बारे में। सो व्हाट इज अ कार्डियक रिजर्व? सो कार्डियक रिजर्व क्या चीज़ है? सो कार्डियक रिजर्व इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू। ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो कार्डियक रिजर्व इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू। ओके, सो कार्डियक रिजर्व मीन्स कार्डियक रिजर्व इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू। कार्डियक रिजर्व प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इन कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं हमारी कार्डियक रिजर्व। ओके, सो कार्डियक रिजर्व क्या चीज़ है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। सो कार्डियक रिजर्व हमारी क्या चीज़ है? वो है हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है हार्ट की, कार्डियक आउटपुट की, उनसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड हमारी शरीर में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब चाहिए, तो हमारा जो कार्डियक रिजर्व है वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो इट्स कॉल्ड कार्डियक रिजर्व। फिर हम बात करें उसकी वैल्यू के बारे में। सो कार्डियक रिजर्व की वैल्यू क्या है? सो वैल्यू ऑफ कार्डियक रिजर्व में क्या आएगा? कार्डियक रिजर्व इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वैल्यू ऑफ कार्डियक रिजर्व। उसमें से थ्री है। सो उसमें फर्स्ट है हमारी नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट, नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट, उसमें कितनी होगी? उसमें होगी हमारी 300-400%। कार्डियक रिजर्व हमारी नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट में, एडल्ट है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, एडल्ट में 300-400% होगी। देन सेकंड पॉइंट है वो है हमारा ओल्ड एज पर्सन में कितना होता है हमारा कार्डियक रिजर्व, ओल्ड एज पर्सन में। सो ओल्ड एज पर्सन में होगी 200-250%। ओके, सो ओल्ड एज पर्सन में हमारी कार्डियक रिजर्व है
वो होगी 200 to 250%। एंड थर्ड है हमारा वो है ट्रेंड एथलेंस, हमारे जो एथलेंस होता है ना वो ट्रेंड होता है, ट्रेंड एथलेंस का होगा 300 से भी वो हो गया ना, क्योंकि वो वेल डेवलप है, वेल ट्रेंड है। ओके सो एथलेंस, ट्रेंड एथलेंस में होगा 500 to 600%। सो A3 वैल्यू आपको याद रखनी है कार्डियक रिजर्व की। सो कार्डियक रिजर्व बेसिकली चीज़ क्या है, कार्डियक रिजर्व इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू, इट्स नोन एज कार्डियक रिजर्व। और वैल्यू ऑफ कार्डियक रिजर्व में 3 है, उसमें से फर्स्ट नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट में 300 to 400% है, और सेकंड है ओल्ड एज पर्सन में 200 to 250% है, एंड थर्ड है हमारी ट्रेंड एथलेंट्स, तो उसमें होगी हमारी 500 to 600%। देन हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कार्डियक आउटपुट के बारे में। सो हमारा कार्डियक आउटपुट है उसमें कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसमें वो चेंज आ सकती है, सो उसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड सेकंड है पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओके सो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, देन हम पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ओके सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारा 12 पॉइंट आएगा, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारी एज, एज पर भी हमारा कार्डियक आउटपुट डिफाइन करता है। हमने आगे ही देख लिया था ना कार्डियक रिजर्व है वो भी एज के थ्रू हमारी चेंज होती थी, तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज होगा ना। सो एज में इन चिल्ड्रन कार्डियक आउटपुट इज लेस बिकॉज ऑफ लेस ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक इंडेक्स इज मोर देन दैट इन एडल्ट बिकॉज ऑफ लेस बॉडी सर्फेस एरिया। देन सेकंड है हमारा वो है सेक्स, सो सेक्स के ड्यूरिंग सेक्स चेंज होगी तो भी हमारा कार्डियक आउटपुट चेंज होगा, यानी कि मेल में ज़्यादा होगा कार्डियक आउटपुट एंड फीमेल में कम होगा कार्डियक आउटपुट। ओके सो इन फीमेल कार्डियक आउटपुट इज लेस देन इन मेल्स बिकॉज ऑफ लेस बॉडी ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक इंडेक्स इज मोर देन इन मेल्स बिकॉज ऑफ लेस बॉडी सर्फेस एरिया। एंड थर्ड है हमारी वो है बॉडी फ्लूड। ओके सो थर्ड है हमारी सॉरी बॉडी बिल्ड, फ्लूड नहीं बट बॉडी बिल्ड, यहाँ पर लिख लेती हूँ स्पेलिंग बॉडी बिल्ड। ओके सो बॉडी बिल्डर होगा उसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते होगे ना, इसलिए ग्रेटर द बॉडी फ्लूड मोर इज द कार्डियक आउटपुट। ओके सो एक्सरसाइज वो करते होगा ना बॉडी बिल्डर, तो उसमें कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा हमारा नॉर्मल जो पर्सन है उसकी कंपेरिजन में। ओके देन फोर्थ हमारा है वेरिएशन, वो है डाईयूर्नल वेरिएशन, डाईयूर्नल वेरिएशन। ओके सो उसमें क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट इज लो इन अर्ली मॉर्निंग एंड इंक्रीज इन डे टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द बेसल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। देन फोर्थ है वो सॉरी फोर्थ तो हो गया हमारा, फिफ्थ है वो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ओके सो एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो डिपेंड करता है। सो मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव 30°C रेस कार्डियक आउटपुट, जब 30°C से अबव होगा तब हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके और रेज होगा। देन सिक्स हमारा पॉइंट है वो है इमोशनल कंडीशन, जब इमोशनल कंडीशन आएगी तब भी हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा और रेज हो जाएगा। ओके सो वो भी हम देख लेते हैं, एंग्जाइटी अप्रिहेंशन एंड एक्साइटमेंट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट अबाउट 50 to 100% थ्रू द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस विच इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देन सेवन्थ पॉइंट है वो हमारा आफ्टर मील्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हमने जो मील्स ली है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। ओके सो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ आफ्टर टेकिंग मील्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। देन एथ है हमारा एक्सरसाइज, सो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग भी हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन नाइन्थ है हमारा हाई एल्टीट्यूड। ओके सो हाई एल्टीट्यूड में, इन हाई एल्टीट्यूड द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन्स, एड्रेनालिन सिक्रेशन इज स्टिम्युलेटेड बाय हाइपोक्सिया। देन टेन है हमारा वो है पोस्चर पर भी हमारा कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, सो वाइल चेंजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट टू ऑपराइट पोजिशन द कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। देन इलेवेंथ हमारी प्रेगनेंसी,
सो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी हमारी कार्डियक आउटपुट है उसमें वेरिएशन आएगा. ओके सो ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय 40%. हमारा जो लेटर मंथ है प्रेगनेंसी का उसमें 40% हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा. देन 12th यानी कि लास्ट है वो है स्लीप. स्लीप के ड्यूरिंग भी हमारा कार्डियक आउटपुट में चेंजेस आएगा और हमारा कार्डियक आउटपुट है स्लीप के ड्यूरिंग डिक्रीज हो जाएगा. ओके सो ये हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन था. सो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हमारा 12 है. उसमें से फर्स्ट एज, सेकंड सेक्स, थर्ड बॉडी बिल्ड, फोर्थ डायुर्नल वेरिएशन, फिफ्थ एनवायरमेंटल टेम्परेचर वेरिएशन, सिक्स इमोशनल कंडीशंस वेरिएशन, सेवन्थ आफ्टर मील्स वेरिएशन, एट्थ एक्सरसाइज वेरिएशन, नाइन्थ हाई एल्टीट्यूड वेरिएशन, टेंथ पोस्चर वेरिएशन, इलेवंथ प्रेगनेंसी वेरिएशन एंड ट्वेल्थ स्लीप वेरिएशन. ओके देन हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में. ओके सो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में मोस्टली हमारी इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट. हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट अबोव एरो मीन्स इंक्रीज एंड सेकंड पार्ट यहाँ पर डिक्रीज बिलो एरो मीन्स डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. ओके सो इसमें भी इसमें दो तीन है और इसमें हमारा सिक्स है. सो इसके बारे में हम बात करेंगे. हमारा यहाँ कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज कब होगा. सो उसमें से फर्स्ट है फीवर, सेकंड है एनीमिया एंड थर्ड है हमारा हाइपर थायरोडिज्म. हाइपर थायरोडिज्म. ओके सो हमारी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगी फीवर के ड्यूरिंग. फीवर में ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. एनीमिया में ड्यू टू हाइपोक्सिया हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड हाइपर थायरोडिज्म में ड्यू टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. एंड हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कब होगा पैथोलॉजिकल कंडीशन में. उसमें हमारा फर्स्ट है वो है हाइपोथायरोडिज्म. हाइपोथायरोडिज्म ड्यू टू डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी. और हाइपरथायरोडिज्म में इंक्रीज होती थी और हाइपोथायरोडिज्म में डिक्रीज होगी. देन सेकंड पॉइंट हमारा वो है आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन. आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन. सो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कार्डियक आउटपुट इट डिक्रीजेस. थर्ड है हमारी वो है इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक विथ कोरोनरी स्क्लेरोसिस और आप कह दीजिए मायोकार्डियल डिग्रेडेशन. सो मायोकार्डियल डिग्रेडेशन में भी हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी. ओके सो मायोकार्डियल डिजनरेशन और डिग्रेडेशन भी आप बोल सकते हो. सॉरी डिग्रेडेशन नहीं है डिजनरेशन है. डिग्रेडेशन नहीं बोलना डिजनरेशन है. ओके सो मायोकार्डियल डिजनरेशन ड्यू टू डिफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज. एंड हमारी फोर्थ है वो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ओके सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बिकॉज ऑफ वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज. एंड फिफ्थ है हमारा वो है शॉक. शॉक ड्यू टू पुअर पंपिंग एंड सर्कुलेशन कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज. एंड लास्ट वन सिक्स है हमारी वो है हेमरेज. ओके सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. सो सिक्स है हमारी हेमरेज. सो सिक्स है हमारी हेमरेज बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज. सो हमारी वेरिएशन ऑफ कार्डियक आउटपुट में दो तरह की थी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में हमारी 12 थी एंड पैथोलॉजिकल में हमारी दो तरह की होती है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में फीवर एनीमिया एंड हाइपरथायरॉइडिज्म. डिक्रीज कार्डियो आउटपुट में हमारी सिक्स है उसमें से फर्स्ट है हाइपोथायरॉइडिज्म, एट्रियल फाइब्रिलेशन, मायोकार्डियल डिजनरेशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, शॉक एंड हेमरेज. ओके सो ये पॉइंट आपको याद रखनी है. सो शॉर्ट नोट में आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन फुल क्वेश्चन आए तब इसके बारे में दो लाइन्स सब के बारे में दो दो लाइन्स आपको लिखनी पड़ेगी लेकिन शॉर्ट नोट में आपको सिर्फ नेम ही लिखना है. ओके सो थैंक यू गाइस.